बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अक्षराती धामधनी श्री राज जी की अपार मेहर से हम सभी सुंदर साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। और ब्रह्मवाणी की चर्चा सुनने जा रहे हैं, वह ब्रह्मवाणी जिसको पाने के लिए, जिस ज्ञान को पाने के लिए हम वाणी की चौपाइयों के माध्यम से कहा करते हैं, चर्चाओं के माध्यम से सुना करते हैं कि अनेक ऋषि मुनि हो गए या फिर त्रिदेव हुए, इसी ब्रह्मवाणी को पाने के लिए लालायित रहे, फिर भी किन एक बूंद ना पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रिगुण, किसी को एक बूंद भी ना मिल सके। और जैसे एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भटकते हुए भूखे प्यासे व्यक्ति को सामने कोई ऐसा सरोवर मिल जाए और भोजन के संसाधन मिल जाए, तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो वहां पर आंखें मूंद करके अपनी दिशा बदल लेगा। लेकिन आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है। हम ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले सुंदर साथ, और चूंकि हमारा जीव वही जीव जिसके विषय में हम कहते हैं कि हमारे जीव ने कई जन्मों तक तपस्या की, जिसके कारण आज हमारे बीच में ये वाणी आ पाई है और हमें ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन सामने आने के बाद हम उसी तरह से आंखें मूंद रहे हैं या उसी तरह से अपना रास्ता मोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे एक गांव में उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह से एक बिल्ली होती है, कबूतर बिल्ली को देख करके अपनी आंखें मूंद लेता है, लेकिन उसके आंखें मूंद लेने मात्र से बिल्ली वहां से चली नहीं जाती। हम भी वैसा ही कर रहे हैं, ब्रह्मवाणी के सामने होने के बावजूद भी हम अपनी आंखें मूंद रहे हैं, वास्तविक सत्य की तरफ न देख करके हम माया की तरफ देख रहे हैं, जबकि हमें देखना चाहिए था धनी की तरफ, हमें देखना चाहिए था धनी की वाणी की तरफ। और उसमें विशेष रूप से आज हम कयामतनामा ग्रंथ से चर्चा सुनने जा रहे हैं पूज्य स्वामी जी के द्वारा। कयामतनामा जिसको हम कहते हैं कि ये नेत्र है, नयन सो कयामतनामा ऐसा कहा जाता है, श्रवण मारिफत नयन सो कयामतनामा। मारिफत का ज्ञान सुन करके हमें धामधनी के हृदय में जो भी रत्न छिपे हुए हैं उनका पता चलता है सुनने से। और चूंकि कयामतनामा को नयन कहा है, नेत्र कहा है, तो इसको पढ़ने से और इसको अमल में लाने से, कयामतनामा को आत्मसात कर लेने से हमारी नजरें खुल जाती है। ये केवल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राज्य के नेत्र हैं, इसको समझने से, समझने का मतलब मैं केवल शाब्दिक अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं, शाब्दिक अर्थ तो जिसके पास तारतम ज्ञान नहीं भी होगा ऐसा व्यक्ति भी थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ करके शब्दार्थ को जान सकता है, लेकिन कयामतनामा को समझने का तात्पर्य यह है कि इसमें डूब जाना, इसको अमल में लाना। और ये वैसे ही संभव नहीं होगा केवल शब्द मात्र से। पूरी कयामतनामा ग्रंथ में शुरू से लेकर आखिर तक सभी प्रकरणों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रियतम श्रीराज जी को धाम हृदय में बसाने की बात की है, जिसको वास्तव में कयामत कहा जाता है। दुनिया, जैसे दिल्ली के प्रसंग में हम बीतक में सुनते हैं कि कयामत का संदेश जब पहुंचाया गया तो उस समय कुछ लोग ये कहकर के मना कर रहे थे कि तुम तो हमें खुशखबरी का नहीं बल्कि मरने का संदेश, मृत्यु का संदेश लेकर के आए हो, हम तुम्हारे संदेश को नहीं मानेंगे। आज हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, हम भी कयामत को कुछ ऐसा ही मान बैठे हैं,
जबकि कयामत का तात्पर्य केवल महाप्रलय नहीं बल्कि कायम अर्थात अखंड की प्राप्ति करना है। अखंड प्रियतम धामधनी श्रीराज जी का मधुर दर्शन, जिसको कते परंपरा में सर्वते दीदार कहा है, उसकी प्राप्ति करना है। और यदि हम वर्तमान में चितवनी से सिर्फ इसीलिए डरते हैं कि चितवनी करने से हमारा तन छूट जाएगा, तो हम में तथा उस समय के दिल्ली के तथा कथित कुरान के विद्वान मौलवियों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी मौत के डर के कारण ही कयामत के संदेश से दूर भाग रहे थे, और हम भी केवल उसी डर से राज्य से दूर भाग रहे। इसीलिए आज की जो भी चर्चा होगी उसको हम बहुत ध्यान से सुने कि कयामत नामा हमें क्या संदेश देना चाह रही, राज्य के जो नयन है वो हमारे नयनों को खोलने के लिए किस तरह से प्रेरित कर रही है। तो आइए सुंदर साहब जी, हम सभी बहुत ध्यानपूर्वक चर्चा सुनेंगे। जो अंग होवे अर्श की उपजत नहीं अंग आहे, बारह हजार रूहन में सो काहे को आप गिनाए, सो काहे को आप गिनाए, करवट लेते सूते नींद में। प्राणेश्वर अक्षर अतीत ने क्यामत नमा की वाणी महामती जी के धाम हृदय से अवतरित की है। छोटे क्यामत नमा में श्री महामती जी की छाप है, तो बड़े क्यामत नमा में महाराज छत्रसाल जी। छत्रसाल जी को शोभा दी गई उनकी विशिष्ट सेवा के कारण, समर्पण भावना के कारण, किंतु क्यामत नमा में एक बात खरी खरी कही गई है, केवल पकड़िए प्राणनाथ जी को, जो परम धाम में नूरी स्वरूप है वही संसार में आवेश स्वरूप से प्राणनाथ के रूप में प्रकट हुआ है। वाणी को पकड़िए और चितवनी को पकड़िए, तीन चीजों पर उसमें कोई समझौता नहीं। यहाँ हंसकर छोड़ो यारो, जिन करो अंदेशा को, सीते कह दिया दो जहान को करो तरक, एक पकड़ो जो साहब हक। अन्य ग्रंथों में तो कुछ समझौते की बात हो भी सकती है, लेकिन क्यामत नामा में नहीं। क्यामत नामा में सीधी से अधिक बात पकाई बताई गई है। आप वाणी का चिंतन कीजिए, युगल स्वरूप की छवि को हृदय में बसाइए, और अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत की महिमा को समझिए, उन पर समर्पित होइए। क्योंकि क्या कहा है, तुम ही उतर अर्श से इत तुम ही क्यों मिलाप, तुम ही दही सुदर्श के जो अर्श में हुआ। हम कौन है ये सबको जानने की आवश्यकता है। इस संसार में जब तक निस्बत के स्वरूप की पहचान नहीं होती तब तक हमारा जीवन निष्फल हो जाएगा। खूबी निस्बत की क्यों कहूं, वास्ते निस्बत खुली हकीकत, तो पाई हक मार्फत जो हक थी निस्बत। आप समझिए, आपने जीवन में सब कुछ किया, पूरी वाणी को कंठस्थ भी कर लिया, कई भाषाओं में व्याख्यान भी देते हैं, किंतु अपने मूल संबंध को नहीं जान पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, सनंद की वाणी पुकार पुकार कर कह रही है, संबंध मूल को मैं तो पांव पल छोड़िया न जाए। यदि हमने मूल संबंध को समझ लिया, पूर्ण रूप से विश्वास में ले लिया, तो हमने बाजी जीत ली। ब्रज में मूल संबंध का पता नहीं था, रास में मूल संबंध का पता तो चला, मूल घर का पता नहीं था। इस जागने के ब्रह्मांड में सतगुरु धन सिंह देवचंद जी के तन से लीला होती है, तो उसमें भी मूल संबंध का पूर्ण विश्वास नहीं था। आड़िका लीला के माध्यम से कुछ कुछ एहसास हुआ कि संभवतः हम परम धाम के हैं, लेकिन जब परम धाम की वाणी का अवतरण होता है, तारतम का तारतम अवतरित होता है, खिलवत परिक्रमा सागर सिंधार, तो यहीं बैठे बैठे सब सुंदर साथ ने परम धाम के 25 पक्षों में भ्रमण किया। आप देखेंगे बीतक में प्रसंग आता है कि बंगला जी दरबार में श्री जी चर्चा कर रहे होते हैं, और उनको जिस रूप में जो देखना चाहता है, जाको दिल जिन भासो तासो मिले तिन बित, मन चाया स्वरूप हो के कार्य किए सबसे। कोई उनको युगल स्वरूप में देखना चाहता है तो युगल स्वरूप दिखाई देते हैं, कोई ब्रजराज के स्वरूप में देखना चाहता है, कोई अरब के स्वरूप में देखना चाहता है,
कोई सतगुरु धनी से देव चंद जी के स्वरूप में देखना चाहता है, सबको उसी रूप में दर्शन देते हैं। सुर असुर सबों का ये पति, सब पर एक दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हों जैसा चिन्ह। वो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सबके हैं, सारे ब्रह्मांड के हैं। और किस लिए आए हैं? परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं, स्त्री शिष्ट को परम धाम के सुध देने के लिए आए हैं, और ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम का रस देने के लिए। सबसे बड़ा कार्य जो अधूरा रह गया था आज तक, जिसको कोई नहीं कर पाया था, वह कार्य ब्रज में नहीं हुआ था, रास में नहीं हुआ था, अरब में संभव नहीं था, क्योंकि ब्रह्मात्माएं नहीं थी। श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में भी नहीं हो पाया था। और तो और कड़वा सच तो यह है कि परम धाम में भी संभव नहीं था। राज्य सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो भी ये कार्य नहीं कर सकते थे। वह कार्य क्या था? अपने हृदय का संपूर्ण मार्फत का भेद बताना। निस्बत की हकीकत पता है सबको, इश्क की हकीकत पता है, इल्म की हकीकत पता है, सब कुछ पता है। राज्य के हृदय की पूर्ण पहचान नहीं थी। मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। और यही तो खेल का महाकारण है, जिसको बताने के लिए ब्रज भी बना, रास भी बना, जागने ब्रह्मांड में सदगुरु धन सिंह देवचंद जी के तन से लीला भी होती है। लेकिन ये कार्यपूर्ण होता है हकी सूरत के माध्यम से, जब तारतम का तारतम अवतरित हुआ, श्रृंगार की वाणी उतरी और स्पष्ट कह दिया कि रूहों अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे के सामने। छठे दिन की इस लीला में हर सुंदर साथ को तो सारा खजाना मिल चुका है। अब इसमें पहचान करनी है, हम हैं कौन। यदि हमारा शरीर भाव रहेगा तो आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। जीव भाव रहेगा तो परिणाम क्या होगा। आत्मभाव पर आत्मभाव, हमें शरीर भाव छोड़ना पड़ेगा, संसार भाव छोड़ना पड़ेगा, जीव भाव छोड़ना पड़ेगा, आत्मा के अंदर परात्म का भाव जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म, सो परात्म संग लेके विलस्य संकसम। जब तक परात्म के भाव में आप भावित नहीं होंगे, तब तक आत्मभाव आपका पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाएगा। और इसलिए कहा है, जो होवे अंग होवे अर्ष की, उपजत नहीं अंगाय, 12,000 वन में सो काहे को आपके। एक चुनौती खड़ी कर दी है। हम तारतम किसी से भी ग्रहण करते हैं तो क्या कहते हैं? ए सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तो मैं अंग ना, मैं परम धाम का सुख सबको दूं, ब्रह्मशिष्टियों को दूं, तो मैं सुंदर साथ कहलाने की अधिकारिणी हूं। किंतु यहां प्रश्न यहां कहा जा रहा है कि 12,000 रुहन में सुखाए को आप गिना है, उसको परम धाम की ब्रह्मात्मा ही नहीं कहा जा सकता जिसके अंदर से आ नहीं निकलती है। आ निकलने का तात्पर्य क्या है? विरह के भाव में डूबना। कोई व्यक्ति आ कर करता है, आए कब निकलती है? किसी को पाने के लिए आए निकलती है। हकीकत की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य हमें दिख नहीं रहे, मार्फत की दृष्टि से राज्य न कभी अलग थे, न हैं और न कभी हो सकेंगे। आप सोचिए, राज जी ने क्या कहा है, हमको खेल दिखावन काज, हमसो आगो आए श्री राज। जब तक राज जी अवेश रूप से परम धाम से अलग, चाहे काल माया को ब्रह्मांड हो या युग माया को ब्रह्मांड हो, नहीं आए, किसी की सुरता ही नहीं आ सकती। सतगुरु धन से देवचंद जी को लगभग 16 वर्ष की अवस्था में बारात के पीछे जाते जाते दर्शन होता है पठान वेश में, दूसरी बार चितवनी में दर्शन होता है, तीसरी बार 40 साल की अवस्था में श्याम जी के मंदिर में दर्शन होता है। प्रश्न है कि जब राज जी पहले आ गए, हमसु आगो आए श्री राज, वाणी का कथन तो अक्षरशः सत्य होता है, वाणी के कथनों में विरोधाभास नहीं होता, लेकिन यहाँ क्यों कहा जा रहा है कि 16 साल की अवस्था में पठान के रूप में दर्शन दिया? इसके पहले राज्य क्या कर रहे थे? क्या मूल मिलावे में फिर चले गए थे, या कहीं मंदिर में किसी पेड़ पर कहीं न कहीं छिप कर बैठे थे? पहले ही कह चुके हैं कि मैं रह न सुखो रूह बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान हो विवा को तब सहन बिछुआ के। हम हकीकत के दृष्टि से देखते हैं तो महाम तो श्यामा जी को पठान के रूप में दर्शन दे रहे हैं, तीसरी बार श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मार्फत के दृष्टि से दोनों तो एक ही हैं। अर्श तन दिल में ये दिल दिलंतर पट कुछ ना है, जो परात्म का तन है और हमारी ये आत्मा का तन है।
ये जीव का तन है, जीव के तन को आत्मा ने जो परात्म की नजर है पकड़ लिया है और जीव भाव में खो गई है। उसको लगता है कि मैं तो शरीर हूं, संसार हूं, जीव की शरीर को पकड़े बैठा है। आत्मा जीव को पकड़े बैठी है, जीव भाव को प्राप्त हो गई है, उसको न परात्म दिखती है न परम धाम दिखता है। जब वाणी का प्रकाश मिलता है तब जीव भी सोचता है कि मैं परम धाम से मेरा संबंध है, जबकि वो परम धाम का नहीं है। ज्ञान ने उसको उस स्तर पर पहुंचा दिया है कि अब जीव अपने को स्वाधीन मान रहा है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि मान रहा है। और यह सच है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का भाव लेकर यदि कोरा से कोरा जीव भी राज्य से प्रेम करता है तो उसको वही स्थान मिलेगा जो ब्रह्म सृष्टि के जीव को मिलेगा। क्योंकि ब्रज में जो जीव ब्रह्मात्माओं से जुड़े, जिन जीवों पर परम धाम की आत्माओं ने बैठकर ब्रज लीला की, वो पांचवी भिस्त में जाते हैं। रास के जीव यानी ब्रज वाले ही जीव रास में गए थे, मेरे कहने का सही है। रास के जीव जिन पर परम धाम की आत्माएं बैठी थी वो चौथी भिस्त में जाते हैं। कुमारिकाओं के जीव पांचवी में गए थे क्योंकि ब्रज लीला में साथ थे। मोहम्मद साहब पर जो फिदा होते हैं वो तीसरी भिस्त में जाते हैं। और जो प्राणा जीव जिसके बारे में कहा गया है, तारीफ मोहम्मद बेंदी की, ऐसी सुनिया न कोई कहे, कई हुए कई हो इसी पर किन ब्रह्मांडों ने। किसी भी ब्रह्मांड में श्री प्राणा जी की महिमा के बराबर अब तक न कोई हुआ है, न है न कभी होगा। अब ऐसे स्वरूप पर जो तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर जीव समर्पित होगा उसको क्या मिलेगा? पहली बहिस्त उनको तो मिलनी है जिन जीवों का, जिन जीवों से परम धाम की ब्रह्मात्मा का संबंध जुड़ गया है। लेकिन जिसने संबंध ब्रह्म सृष्टि का नहीं पाया, तात्म ज्ञान का तो प्रकाश पा लिया, ब्रह्म सृष्टियों की रहनी यदि ले लिया, रहनी का तात्पर्य विरह और प्रेम। ब्रह्म सृष्टि क्या करती है? ब्रह्म सृष्टि के दो पंख हैं इसको ईमान के। ईमान आएगा इल्म से। तात्म ज्ञान का प्रकाश हमें राज्य से अटूट निष्ठा के साथ जोड़ता है। और आप जानते ही हैं आज स्मृति दिवस है सरकार श्री की श्रद्धांजलि के उपलक्ष में सरकार श्री ने क्या कहा था, ईमान ही हमारी शक्ति है। उनका एक वाक्य हमको याद रखना चाहिए, वाणी का चिंतन और चित्वनी का कोई विकल्प नहीं है। ये चित्वनी हमें परात्म के दर्शन कराएगी, ये चित्वनी हमें युगल स्वरूप की छवि को हृदय में बसाएगी। और इस चित्वनी के मार्ग पर चलकर कोरा से कोरा जीव भी यह अधिकार प्राप्त कर सकता है कि वो भी सत्संग की पहली बहिस्त में अपने कुल ले जाने का अधिकार रखता है। क्योंकि राजी स्वयं कहते हैं, जिन जीवे की निसंग किया ताको करो न मेला भंग, रंगे रमाणु वासना वासना सदको। यदि ब्रज के जीव केवल मात्र 11 साल 52 दिन की लीला में रहने मात्र से पांचवी बहिस्त के चौथी बहिस्त के अधिकारी बन सकते हैं, मोहम्मद साहब के साथ जुड़ करके उन पर कुर्बान होने वाले जीव तीसरी बहिस्त में जा सकते हैं, पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत जिस तन में विराजमान हुए हैं। आप सोचिए, मैंने यही बात कही कि जो राजी अपने दिल का संपूर्ण भेद, मारिफत का भेद परम धाम में नहीं बता सके थे, ब्रज रास में बताना संभव नहीं था, अरम में बताना संभव नहीं था, श्री देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में बताना संभव नहीं था, वो जागनी के ब्रह्मांड में महामती जी के तन से संपूर्ण हुआ है। इसलिए क्यामत नामा की वाणी पुकार पुकार कर कहेगी, या हंस कर छोड़ो यारो जिन करो अंधिशा को, या तो हंसते हुए मूल स्वरूप के चरण पकड़िए, श्री प्राणनाथ जी के चरण पकड़िए। इस संसार में अक्षरातीत को हमें प्राणेश्वर अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में देखना पड़ेगा। उस पांचों शक्तियों के सहित उस तन में विराजमान होकर लीला करते हैं, परम धाम की वाणी का अवतरण करते हैं। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कि कई देवदान हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने नाश्रवनो सो इत मिल्यानंद, स्वयं आकर के मिला है। कौन आया है? प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म शिष्ट सिरदार, ईश्वरी शिष्ट और जीव की सवाय करो दीदार। अनादिकाल से यह सृष्टि बनती रही है, लय होती रही है, लेकिन किसी को यह सौभाग्य नहीं मिला था कि अक्षरातीत के बारे में कुछ जान सके। किन सुपनो नाश्रवनो सो इत मिल्यानंद, और ये समय हमारे लिए सुनहला है छठे दिन की लीला का। हम सुंदर सा जरा सा कष्ट होते हैं, रोने लगते हैं कि राजी जल्दी से खेल खत्म कीजिए, जल्दी से खेल कीजिए। आपको शायद नहीं पता
कि इस समय का एक एक पल हमारे लिए कितनी कितनी कीमत रखता है। सुख के इसके जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है जो रूसो कुरु विचार। राज्य के सुखों को देखने का समय यही है, उनके दिल में प्रवेश कर मार्फत का दरवाजा खोलने का अधिकार हमें छठे दिन के लिए न मिलना। और सबसे बड़ी चीज, विरह के मार्ग पर चलकर प्रेम के अंदर डुबकी लगाकर हमें राज्य को दिल में बसाने का, उनके दिल में डूबने का और ये कहने का अधिकार कि हक हमें, हम हक में और हक बिना सब ख्वाब केवल अभी। इसलिए हमें जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करना होगा। प्रकाश हिंदुस्तानी के इस कथन को याद रखना होगा, तेरी गिनती बांधी सांसी सांस, एक सांस की भी नहीं आस। हम प्रतिवर्ष आते हैं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, सरकार जी की स्मृतियों को ताजा करते हैं। महाभारत का कथन है, महाजनों ये ग्रंथा सपन था। हमें उसी मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर महापुरुष चले, महान व्यक्तित्व वालों ने, परमहंसों ने, ब्रह्मसृष्टियों ने जो हमें मार्ग दर्शाया है उस मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। सरकार के प्रति, सरकार से के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी यदि हम वाणी का चिंतन करते हैं, चितवनी के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि उनका अटूट वाक्य है, ब्रह्मवाणी का चिंतन और चितवनी का कोई विकल्प नहीं। और इस मार्ग पर चलने से क्या होगा, हमको इतने ही बैठे घर जाके धाम की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मवाणी का चिंतन हमें ये ऐसा लगाएगा कि हम संसार में भले ही रह रहे हैं, संसार हमारे सामने नहीं है। क्या कहा है, लगी वली कुछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हरि नाई। जब शरीर से और संसार से परे हो जाएंगे तो हमारी दृष्टि कहां विचरण करेगी, परम धाम के 25 पक्षों में। वो खेले प्रेमे पार पियासो देखन कुतन सागर में। आज वही प्रसंग चल रहा है, करवट लेते सूते नींद में नाना मारत से। प्रश्न ये होता है, जो अंग होवे अर्श की तात्पर्य क्या, यदि हम भाव रखते हैं कि हम परम धाम की परमात्मा है। मैं तो सबके लिए कहता हूं, आज यह सोचने का समय नहीं है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं, ईश्वरीय सृष्टि हैं कि नहीं। हर जीव को भाव रखना है कि मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूँ, मेरी आत्मा का संबंध उस अक्षरातीत से है। तभी तो चौपाई में कहा गया है मेरे जीव सुहागी रे। भले ही हम कोरे से कोरे जीव हैं लेकिन तारतम ज्ञान का प्रकाश तो मिला है, हमें भी अंगना भाव से जाने का अधिकार है। यदि हमने मीरा का मार्ग अपना लिया, रसखान का मार्ग अपना लिया, प्रेम के में विरह में अपने को डुबो दिया, ठीक है हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है तो क्या, लेकिन यदि विरह के भाव में डूब गए तो चितवनी के द्वारा सत्स्वरूप की पहली बहिस्त में जहाँ ब्रह्म सृष्टि का जीव पहुंचना है, हमारा कोरा से कोरा जीव भी पहुंच जाएगा। इसलिए अब चितवनी का मार्ग सारे संसार के लिए खोल देने की आवश्यकता है। बीतक में क्या लिखा है, आप देखो औरों को दिखाओ। हमें स्वयं देखना है, सबके लिए सारे ब्रह्मांड के लिए रास्ता खोल देना है। हमारी वाणी केवल निजानंद संप्रदाय के लिए नहीं आई है, वो सारे ब्रह्मांड के लिए आई है। प्राणनाथ जी एक छोटे से संप्रदाय के लिए नहीं आए हैं, सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने आए हैं। और परम धाम की आत्माओं के लिए तो ये ब्रह्मांड तरस रहा था, तभी तो कहा है चरण अज ब्रह्म सृष्टि की खोज थकी त्रिगुण। अब ब्रह्म सृष्टियों के बारे में एक बात कही जा रही है, करवट लेते सूते नींद में नाला मारत से। हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए, चाहे हम करवट बदल रहे हों, निद्रा में हो, सो रहे हो, नाला मारने का तात्पर्य आए भरना। आप देखिए, आपका कोई निकटस्थ संबंधी, अभी कोरोना का समय गुजरा है, अभी कुछ समय के लिए ठंडा है, राज्य करें जड़ मूल से नष्ट हो जाए, जिनके किसी निकटस्थ संबंधी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता था, कोमा में चला जाता था, क्या उसको नींद आती होगी, पता नहीं कितनी कितनी रातें ऐसी जागते जागते गुजर जाती थी। ऐसे ऐसे सुंदर साथ भी रहे हैं जो 15-15 दिन कोमा में चले गए थे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, फिर राज्य की कृपा हुई और असंभव को संभव कर दिया। जहाँ पूरी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ राज्य की कृपा उसको बचा लेती है। आप सोचिए, उस अवस्था में जो निकटस्थ संबंधी होगा उसको नींद कहाँ से आ सकती है। पड़ोसी के घर कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनके घर पर का कोई सदस्य कोमा में नहीं था, जिसका कोई पति था, जिसकी कोई पत्नी थी, जिसका कोई पुत्र था या कोई प्रिय व्यक्ति था जो कोमा में रहा है तो नींद नहीं आ रही है। उसी तरह यदि हमारे हृदय में आशा सुझा, जीव का हृदय हो चाहे आत्मा का,
अब देखिए वाणी क्या कहती है, अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ होता। हमारी आत्मा के हृदय में जब युगल स्वरूप की छवि बस जाएगी तो इसमें और परात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। एक जीव का हृदय है जिसने वाणी के ज्ञान को ग्रहण किया है, आत्मभाव उसके अंदर नहीं है, आत्मभाव लाने का प्रयास कर रहा है और उसके अंदर जब अटूट विश्वास जिसको ईमान कहते हैं आता है तो विरह के फूल खिलने लगते हैं। विरह के भाव में जब जीव भावित आता है होता है तो आंसू की जलधारा बहती है, लेकिन ये धारा भी जब सूख जाती है तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि न आंसू निकल सकते हैं, न मुख से कुछ शब्द निकल सकते हैं, न प्रार्थना हो सकती है, न किसी तरह की बंदगी हो सकती है। उस अवस्था में वह हृदय चाहे वो नींद में हो चाहे सोता रहता हो केवल एक आ लगी रहती है कि मेरा प्राणेश्वर मेरे सामने कब आएगा। आप सोचिए हमसे में इंद्रावती जी की आत्मा के साथ क्या हुआ होगा। जो महामती के साथ गुजरा है वही क़यामतनामा में बहुत कुछ लिखा गया है, खटुति में वही कुछ लिखा गया है। और किसके लिए, हमारे लिए, चरने हैं सो तो ऐसे ही पर पिछले कारण इबानी के। यदि हमने उस रहने को कुछ अंशों में आत्मसात कर लिया, आप देखिए उस समय तो बहुत कठिन कार्य था, वाणी अवतरित हो रही थी, श्री जी के चरण कमल जब दीप बंदर से चलते हैं अरब जाते हैं पुनः वापस आते हैं, नलिए से होते हुए कैसे जागने के पथ पर चलते हैं सूरत आते हैं, सूरत से पुनः दिल्ली आते हैं, दिल्ली से हरिद्वार होते हुए पुनः दिल्ली और उदयपुर मंदसौर औरंगाबाद जाते हैं, कहीं कहीं पर वाणी का अवतरण हो रहा है, भिक्षा मांग करके खाना होता है। जब पद्मावतीपुरी धाम पहुँचते हैं तब तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का अवतरण होता है। उस समय कितने सुंदर साहब की उम्र अधिक हो चुकी होती है, उस समय स्वरूप साहब भी इतने मात्रा में नहीं, और अब तो एक एक सुंदर साथ के घर कई कई भाषाओं में, गुजराती में भी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी सब वाणी है, टीका है। आप सोचिए आपको राज्य ने घरों बैठे बैठाए हैं कितनी सुविधाएं कर दी हैं। आप अपने ऐसी कमरों में बैठे बैठे वो सुख ले सकते हैं जो सुख श्री जी के साथ घर द्वार छोड़कर चलने वालों को हुई। और आज तो आप मुश्किल से 3 दिन के लिए आए हैं, कोई 1 दिन के लिए आया होगा, कोई 2 दिन के लिए आया होगा, कोई छोड़ना नहीं चाहता, उसमें कितना कष्ट होगा। हम सुंदर साहब तो फ्लाइट में यात्रा कर लेते हैं, कारों में सफर कर लेते हैं, उस समय की कल्पना कीजिए आखिर श्री जी जिस तन से लीला हो रही है, वो जिस तन में पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, वह तन भी भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करता होगा, वह तन भी वृक्षों के नीचे धूप से बचने के लिए बैठता होगा, वह तन भी शीतल हवा के झोंके खाता होगा, या बाग में जब ठहरते होंगे, क्योंकि यात्रा कैसे होती होगी, रात को कुछ यात्रा कर लेते थे, सवेरे भोर में चल देते थे और 10 बजे तक चलकर कहीं पड़ाव डालना होता था। अभी तक में ये प्रसंग सुनने को मिलता है। कड़कड़ाती ठंड भी झेली, तपती दोपहरी भी झेली और मूसलाधार वर्षा की फुहारों को भी झेला, किसके लिए आप जानते हैं। इतने कष्टसाध्य अवस्थाओं से गुजरने के बाद परम धाम की ब्रह्मवाणी सुंदर साथ को मिली है, तभी तो महामती जी कहते हैं ये निध देते मेरा जीव निश्चय, जब मैं वाणी को कहती हूँ तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। 6ठे दिन की लीला में हम सुंदर साथ को सब कुछ मिला है, श्रृंगार के रूप में परम धाम का वह खजाना मिला है जिसमें राजी ने अपने मार्फत का भेद खोला था। यदि श्रृंगार की वाणी नहीं होती तो इस क्रवत के का निर्णय नहीं हो सकता, खेल का महाकारण है इसका निर्णय केवल श्रृंगार की वाणी करती है। इसलिए श्रृंगार को श्री जी का मुखारबिंद कहा गया है, और मुखारबिंद में नेत्र भी आते हैं, मुखारबिंद में कान भी आते हैं, मार्फत सागर भी समाहित हो जाता है, क़यामतनामा भी समाहित होता है इस श्रृंगार ग्रंथ में, क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ बताता है कि राज्य का दिल मार्फत का स्वरूप है, मार्फत सागर पुष्टि करता है, नूर सागर सूर मार्फत, नूर का सागर है, मार्फत का सूर्य क्या है, महामती जी का दिल जिसमें से परम धाम का ज्ञान अवतरित होता है। और इस ज्ञान को आत्मसात करने के बाद क्या कहते हैं, नाला मार दीजिए। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की पहचान ये होती है,
कि यदि उसके हृदय में एक विरह की पीड़ा की रसधारा बह गई कि मेरा प्राणेश्वर मेरे धाम हृदय में चाहिए, मेरी आत्मचक्षुओं के सामने आए। खटुते में इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती है, जो लो आप अपनी नाखिए आंख मिची त्यारे तूने अवे शरम। ये प्रेम की भाषा है, क्या मेरा तन छूट जाएगा, मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो आपको शर्म आएगी, अर्थात आप मेरे सामने तब आएंगे। ये कौन पुकार रहा है, ये प्रेम में तड़पता हुआ एक हृदय पुकार रहा है, इंद्रावती का हृदय, जो केवल अपने प्राणेश्वर को देखना चाहता है, कुछ नहीं चाहिए। ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मैं अपनो, मेरा यही सौगंध। और यही सिखापन सब सुंदर साथ के लिए है। क्या तमा तारतम वाणी का अंतिम ग्रंथ जो हमारे लिए सिखापन देता है कि ब्रह्म सृष्टि को क्या करना है। अब सुंदर साथ में ये रेखा मत खींचिए कि यह ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है, जीव सृष्टि है, सबको मानना है कि मैं अक्षरातीत की अर्धांगिनी हूँ। आप देखिए, राष्ट्रपति की पत्नी सबकी नहीं होती, राष्ट्रपति तो सबका है, और देश के हर नागरिक को राष्ट्रपति से मिलने का अधिकार होता है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि ही केवल श्यामा जी का दर्शन कर सकती है, ब्रह्म सृष्टि ही परात्म के तनु का दर्शन कर सकती है, ईश्वरी सृष्टि को भी यह नसीब नहीं है। क्योंकि सागर की वाणी स्पष्ट कहती है, जो कोई हक के हुक्म का ताय इलम करे, जो बेशक लेवे अपनी मेहर में, तो नेक दीदार कबो, पर ना दीदार कबो निस्बत का, ना काऊ को इनामत, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखी छुपा। राज्य के आदेश से जो ब्रह्मांड बना है, इसमें कोई भी जीव यदि तारतम ज्ञान का प्रकाश पाता है, तो बदले आप दिखावत राज्य ब्रह्म सृष्टियों के बदले अपना स्वरूप दिखा देते हैं। राज्य को देखने का अधिकार, राज्य को से बातें करने का अधिकार संसार के हर जीव को है, हर ईश्वरी सृष्टि को है, केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही राज्य नहीं है। हाँ, श्यामा जी का दर्शन और सखियों के परात्म का दर्शन केवल ब्रह्म सृष्टि को ही होगा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को भी अनादिकाल से, जब तक अरब में उनकी सुरता नहीं उतरी थी, मोहम्मद के रूप में मेराज नहीं हुआ था, तब तक अक्षर की आत्मा को भी राज्य के आधे मुखारविंद का दर्शन हुआ था। इसलिए अपने अटूट विश्वास के साथ कि हमारा मूल संबंध है, मूल संबंध होगा चाहे नहीं होगा, तारतम ज्ञान का प्रकाश हमें मिल गया है, तो हमें उसी भाव से राज्य को अपने हृदय में बसाना है। और उसके लिए हमें अपने हृदय को कोमल करना पड़ेगा, विरह के भावों में भरना पड़ेगा। शरीर और संसार के भावों से तो पहले के ऋषि मुनि योगी यति भी उठते रहे। अब बुद्ध से पूछिए कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, वो नहीं बता सकते। सुखदेव से पूछिए स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, नहीं बता सकते। उनको शरीर की सुध नहीं, संसार की सुध नहीं। जब संसार के महापुरुष ऐसा कर सकते हैं तारतम ज्ञान के अभाव में, तो हमें तो परम धाम की ब्रह्मवाणी मिली है। वो ब्रह्मवाणी जो महामति जी के मुखारविंद से निकली हुई है, कहने वाले कौन है, कहलाया हृदय बैठ सच्चा। स्वयं अक्षरातीत ने अपने आवेश रूप से इस ब्रह्मवाणी को कहा है। इसलिए ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द हमारे लिए आदरणीय होना चाहिए। व्यक्ति विशेष के कथनों में त्रुटि हो सकती है, मेरे कथन झूठी हो सकती है, लेकिन ब्रह्मवाणी के कथन नहीं। ब्रह्मवाणी के कथनों पर आस्था रखिए, उनको राज्य का कथन मानकर उसको अपने जीवन में उतारिए, और इसका परिणाम क्या होगा, हमें धनी के चरण कमल मिलेंगे। यदि हम ब्रह्मांगना का भाव लेकर स्वयं को समर्पित करते हैं, तो राज्य हमारे समर्पण को अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो कौन है, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नयन सो साकी सीता। वो दया का सागर है। यदि हमारा शरीर भाव हट गया, संसार भाव हट गया, जीव भाव हट गया, हमने अपने को सुहागिन आत्मा की तरह समर्पित कर दिया, तो राज्य हमारे प्रेम को कभी भी ठुकराएंगे नहीं। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो पहली आवश्यकता है कि उनका रोम रोम किसके लिए होना चाहिए, रोम रोम में रम रहिया पीव आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया इस एक रंग। आशिक कौन है, परम धाम की ब्रह्मात्मा, और आशिक के रोम रोम में क्या बसा होना चाहिए, उसका प्रीतम मासूक। और जीवन का स्वरूप लक्ष्य क्या होना चाहिए, सागर की वाणी कहती है, जो मासूक सेज न आया देखा सुनिया न कई बार, सुख अंग न लियो इन सेज को तय निर्फल गई चूड़ा। इस संसार में आना ही हमारा व्यर्थ है। यदि हमने राज्य को देखा नहीं, राज्य से बातें नहीं की और राज्य की बातों को सुना नहीं, करना क्या होगा,
रू नैनो दीदार कर, रू के नेत्रों से देखना होगा, रू जुबां हक सो बोल, रू कानों बातें सुने, यही पटरू अरस का खोल। हमने हमें अपने आत्म चक्षुओं को खोलकर राज्य को जी भर कर देखना होगा, राज्य से जी भर कर बातें करनी होगी और राज्य की प्रेम भरी बातों को सुनना होगा। ये ठीक है, हमारे सामने माया का संसार है, लेकिन यदि ये दृष्टि हट जाती है माया की, शरीर भाव, संसार भाव, जीव भाव तीनों हट जाएगा, आत्मभाव परात्म भाव जग जाएगा, तो क्या होगा? हमें तो अपनी आत्म दृष्टि को खोलना है और यह दृष्टि खुलेगी केवल प्रेम से। प्रेम इस ब्रह्मांड में सबसे यदि पवित्र हृदय पवित्र वस्तु है, सबसे अनमोल वस्तु है, तो प्रेम। प्रेम खोल देवे सब द्वार। और प्रेम क्या है? प्रेम बसे पिया के चित्त, अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ रस प्रेम है। प्रेम सांसारिक आकर्षण को नहीं कहते हैं, प्रेम किसी के प्रति मोह को नहीं कहते हैं। प्रेम तो अक्षरातीत का हृदय है और परमधाम के कणकण में प्रेम है। उस प्रेम की हम सुगंध ले, सबको आत्मिक भाव से देखें। आप देखिए, हमसे पहले संसार के जो भी मनीषी हो गए हैं, उन्होंने कितनी ऊंची बात कही है। हम तो परमधाम की ब्रह्मवाणी लेकर बैठे हैं। गीता में एक श्लोक आता है जिसका मैं बार बार उच्चारण कर दिया करता हूँ, न चाहते हुए भी मेरे ध्यान में आ जाता है। गीता क्या कहती है? विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण में, गव्य हस्तिन गाय में, हाथी में, सुन चवे के सपाके चा, कुत्ते में और चंडाल में, गाय में और कुत्ते में, ब्राह्मण में और चंडाल में, भेद जिसको नहीं होता है वो पंडित कहलाता है। पंडित की इतनी बड़ी शोभा और हम तो ब्रह्मसृष्टि कहलाते हैं। हम सुंदर साथ के हृदय में किसी के लिए भेदभाव की लकीर नहीं होनी चाहिए। हम सबको आत्मिक दृष्टि देखें। हमारे सुंदर साथ में न कोई पंजाबी, न नेपाली, न गुजराती, न यूपी, न बिहार का। हम यदि सबको परम धाम की भावना से देखें, जिसके लिए रास में कहा है, आत्म सवनी एक दिशे जजवीत दिशे दे, क्योंकि रास में पहुंचते ही सबको जागृत बुद्धि मिल गई थी और सबके पास योग माया की बुद्धि होने के कारण एक जागृत ज्ञान का प्रकाश जैसा था। सबने सबका श्रृंगार एक था, इसलिए वाणी में कहा गया है कि आत्म सवनी एक दिशे जजवीत दिशे दे। शरीर सबके अलग अलग है लेकिन आत्मा सबकी एक है। महापुरुषों ने बार बार कहा है कि हम सबके अंदर अपने जैसे ही देखें, हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। यदि हम इस उच्च आदर्श पर चलते हैं तो परिणाम क्या होगा? हम हमारी आत्मदृष्टि भूलेगी और उस आत्मिक दृष्टि से हम यही बैठे बैठे परम धाम के सारे सुखों का रसपान कर लेंगे। याद बिगर किए अंग आवही, याद बिगर किए अंग आवे, याद किया जाता है वाणी के द्वारा। यहाँ वाणी कह रही याद बिगर किए अंग आवे, स्वाद आसिक मासुक के। देखिए, प्रेम की भाषा मुख होती है। चितवनी में आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने का तात्पर्य निष्क्रिय जैसे हो जाएंगे। यदि चितनी में आपकी बुद्धि दौड़ रही है कि कितने हार हैं, राज्य के मुखारविंद में ये है, कानों का आभूषण ये है, नासिका का आभूषण ये है, तो ये चितनी नहीं है, ये तो आपने रट्टा लगा रखा है, उसी को याद कर रहे हैं। चितनी का तात्पर्य यह है कि आपके मन की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाए, बुद्धि की दौड़ समाप्त हो जाए और आपकी अंतर्दृष्टि अपने प्राणेश्वर को जी भरकर देखने। इसके लिए हमें अपने हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा। मोमिन दिल कोमल कया तो अर्स पाया किताब। हमारा हृदय सबके लिए इतना कोमल बने कि सारे संसार को हम समाहित कर सकें, तभी हम उस राह पर चल पड़ेंगे। और आपको मालूम है कि मैं अपने समय से एक मिनट भी ज़्यादा नहीं बोलता। जैसा निर्देश है मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ। सभी सुंदर साथ वाणी के विज्ञ हैं, गहरे जानकार हैं। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आज स्मृति दिवस पर सबके हृदय में संकल्प होना चाहिए कि हमारी वाणी में प्रेम हो, व्यवहार में प्रेम हो, हृदय में प्रेम हो, सब हम एक दूसरे को गले लगाएं। इसी में हमारा सुख है, सबका सुख है। सरकार सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम वाणी के चिंतन में लगें और चिंतन में लगें।